चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और तमाम लेक्चर्स हमारे ब्लॉग पर मौजूद हैं। हर रोज़ एक नया लेक्चर अपलोड होता है, ज़रूर फॉलो करें हमें। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। रीडिंग करना शुरू करते हैं। देर आर मैनी एग्जाम्पल्स वेयर मोमेंटम चेंजेज आर प्रोड्यूस्ड बाई एक्सप्लोसिव फोर्सेज विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, वैन अ शेल एक्सप्लोर्स इन मिड एयर, इट्स फ्रेगमेंट्स फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस। द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल इट्स फ्रेगमेंट्स इक्वल्स द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द शेल। अब वो कहते हैं कि हम बेसिकली जो टॉपिक है वो दो चीज़ों को रिलेट करता है, एक तो मोमेंटम को, दूसरे एक्सप्लोजन्स को। मतलब जब भी कोई चीज़ फटती है, जैसे कोई बम फटता है या कोई पटाखा फटता है, तो बेसिकली चेंज इन मोमेंटम जो होता है उसको हम स्टडी करते हैं कि पटाखा फटने से पहले और पटाखा फटने के बाद कितना मोमेंटम है दोनों साइड्स पर। ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमने कोई चीज़, मतलब पटाखा जो फोड़ा है हवा में फेंका और फट गया, तो वो कहते हैं कि जो उसके पटाखा होता है ना, वो पहले जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब उसके सारे पीसेस जुड़े होते हैं, लेकिन पटाखा फटने के बाद उसके सारे जो पीसेस हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में वो स्कैटर कर जाते हैं, या कह लें कि उड़ जाते हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि ये जो केस है ना, कि इनिशियल मोमेंटम यानी कि पटाखा फटने से पहले का मोमेंटम और जो पटाखा फटने के बाद का मोमेंटम है, ये दोनों केस में इक्वल रहता है। ठीक है। उसी एग्जाम्पल वो दे रहा है, सपोज अ फॉलिंग बॉम्ब एक्सप्लोड इन टू टू पीसेज एज शोन इन फिगर। द मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब फ्रैगमेंट्स कम्बाइंड बाई वैक्टर एडिशन इक्वल द ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ द फॉलिंग बॉम्ब। अब वो कहता है कि फ़र्ज़ करें एक ड्राइंग में हम देखते हैं एक बॉम्ब है, वो आता, सॉरी बॉल है, बॉल आता है नीचे और नीचे आके फट जाता है, उसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। तो हम कहता है कि अगर हम इसकी वेक्टर एडिशन से करें ना, इसको हम देखें रिप्रेजेंट करें, तो ये जो वेक्टर है इनिशियल मोमेंटम का वेक्टर है एम वी, जिसको हमने लिया हुआ है, और ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक ये और एक ये। ठीक है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस साइड के मोमेंटम को हम वन कहते हैं, इसको टू कहते हैं। तो वन और टू जो वैक्टर्स हैं इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास दोबारा इनिशियल वैक्टर आ जाएगा, हेड टू टेल रूल से। ठीक है। कहने का मतलब था जो मोमेंटम है वो पहले एक्सप्लोजन से और एक्सप्लोजन के बाद जो है वो इक्वल है, मतलब एक्सप्लोजन के बाद सम ऑफ ऑल बॉडीज उनका मोमेंटम और एक्सप्लोजन से पहले जो एक बॉडी थी उसका मोमेंटम जो है वो इक्वल है। ठीक है। कंसिडर एन अदर एग्जाम्पल ऑफ अ बुलेट ऑफ मैस एम फायर्ड फ्रॉम अ राइफल ऑफ मैस एम विद अ वेलोसिटी वी। इनिशियल द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज एंड राइफल इज जीरो। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, व्हेन द बुलेट इज फायर द टोटल मोमेंटम द बुलेट एंड राइफल स्टिल रिमेन जीरो, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स हैज एक्टेड ऑन देम। दस इफ वी इज द वेलोसिटी ऑफ द राइफल, देन एम वी बुलेट प्लस कैपिटल एम वी डैश इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, उसके बाद एक दूसरी एग्जाम्पल दे रहा है वो। अब वो क्या, किस चीज़ की एग्जाम्पल दे रहा है, कि जब एक गोली है ना, एक बंदूक से निकलती है। कहते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो गोली है ना, उसका मैस वो एम है। ठीक है। और ये वो मैस है जो कि फायर करने से पहले है। ठीक है। और दूसरा केस है कि राइफ़ल जो हमारे पास है, राइफ़ल उसका मैस हमने कैपिटल एम लिया हुआ है, और इसका वेलोसिटी जो है ना बुलेट की वो क्या है, वी, लेकिन जो राइफ़ल है वो शुरू में रेस्ट है। तो हम कहते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम है ना वो हमारा ज़ीरो है। अब वो कहते हैं कि लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन का तो हमें पता है कि बिफोर और आफ्टर जो है वो सेम रहता है। ठीक है। अब वो कहता है कि जब बुलेट फायर्ड होती है ना, फायर करते हैं हम मतलब बंदूक को, तो आफ्टर टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड राइफल स्टिल रिमेन जीरो। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो बुलेट होती है वो स्कैटर करके उसका मैस नेग्लिजिबल हो जाता है और स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब वो कहता है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास उसका रिलेशन वो समझा रहा है कि एम वी जो है ना हमारी बुलेट का मोमेंटम है, और जो कैपिटल एम वी डैश है वो राइफ़ल का मोमेंटम है। वी राइफ़ल की स्पीड है, जो कि वो किक बैक नहीं होता, जो आप अगर राइफ़ल अपने साथ लगाएंगे तो किक बैक आता है फायर करने के वक्त ना, तो वो किक बैक है, वो उसकी स्पीड है बेसिकली। ठीक है। वो उसको हम राइफ़ल की स्पीड कह रहे हैं। अच्छा, अब उन सारों का सम जो है मोमेंटम्स का, वो किसके बराबर है, जीरो के, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहती है कि मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर टोटल मोमेंटम, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो वो जीरो है तमाम मोमेंटम्स का सम। अच्छा, इससे हमारे पास रिलेशन आया था किक बैक का, जो मतलब किक बैक हो रहा है राइफ़ल का, कि राइफ़ल किस स्पीड से हमारी तरफ आएगी, वो किससे आ रहा है, माइनस एम वी ओवर एम। एम क्या है, हमारा बुलेट का मैस, कैपिटल एम राइफ़ल का मैस, और वी क्या है, बुलेट की स्पीड, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। माइनस का मतलब है कि जो बुलेट की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट होगी हमारी राइफ़ल की किक बैक की डायरेक्शन। ठीक है। द मोमेंटम ऑफ द राइफल इज़ दस इक्वल एंड ऑपोजिट टू द दैट ऑफ द बुलेट। हाँ, अब यहाँ इस केस में कहता है कि जो बुलेट का और जो हमारी राइफ़ल है, इनका मोमेंटम इक्वल होगा इन मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट होगा। ठीक है। सिंस मैस ऑफ द राइफल इज मच ग्रेटर देन द बुलेट, इट फॉलोज दैट द राइफल मूव्स बैक और रिकॉयल्स विद ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अब चूंकि वो कहता है कि मैस जो एम कैपिटल एम है वो बहुत बड़ा है, कह लें कि स्मॉल एम तकरीबन निग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू कैपिटल एम, इसलिए जो कहता है जो इसका किक बैक है या कह लें रिकॉयल है ना राइफल का, वो बहुत थोड़ा होता है।
मतलब वी स्पीड बहुत थोड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल वी, सॉरी वी डैश बहुत छोटा था एज कम्पेयर टू वी. ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सप्लोसिव फोर्सेस का और मोमेंटम का रिलेशन. ठीक है, कहने का मकसद है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती तब तक जो एक्सप्लोशन से पहले और एक्सप्लोशन के बाद जो मोमेंटम है वो सेम होता है. ठीक है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है लेकिन सेम होता है. और ठीक है, अच्छा इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा रॉकेट प्रोपल्शन, वो हम कल करेंगे, आज के लेते हैं काफ़ी है. अल्लाह हाफिज़.